माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में आप सीखेंगे एक सुंदर सा टॉप बनाना, जो कि मैं बिना इंची टेप के सिखाऊंगी। ये मेरा टॉप सिला हुआ है और ये मैंने जो है जारजट ली है, ये मेरी 1.25 मीटर है और ये जो अस्तर है ये मैंने 0.5 मीटर से कुछ कम लिया है। तो इसमें से आज हम एक सुंदर सा टॉप बनाएंगे। सब्सक्राइब कीजिए परवीन सिलाई सेंटर चैनल को और क्लिक कीजिए बेल आइकन पे, ताकि हमारे हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो पहले जो हम निशान लगाएंगे अपने अस्तर के ऊपर लगाएंगे, तो अस्तर हमें इस तरीके से बिछाना है। देखो, पहले एक बार हमने इसको इस तरीके से फोल्ड कर लिया। ये खुली साइड है, ये उस साइड है और ये जो है ये हमारी साइड है, बंद साइड। और इसको आप इस तरीके से फोल्ड करेंगे एक बार, और फिर आप अपने टॉप की लंबाई लेंगे कि आप कितने बड़े बच्चे का टॉप बना रहे हैं। ये जो मैं टॉप बना रही हूँ, ये मैं टॉप बना रही हूँ 9 साल के बच्चे के लिए। तो पहले आप इसकी लंबाई ले लेंगे कि इसकी लंबाई कितनी है। तो इसको अच्छे से ऐसे करने के बाद टॉप को और यहाँ से और इस तरीके से इसको फोल्ड कर लेंगे इस तरीके से। आपके कमेंट्स आते हैं कि बिना इंची टेप के सिखाइए, तो आज मैं बिना इंची टेप के ही टॉप की कटिंग करूँगी। तो इस तरीके से आपको अच्छे से ये मिला लेना है। आपका साइज जो भी है, जो भी आपका टॉप है, किसी भी साइज का आप बना रहे हैं, बड़ा या छोटा, तो अच्छे से जो भी आपको टॉप बिल्कुल फिट आता है तो आपको वही टॉप लेना है और उसको इस तरीके से रखना है कि जो भी कपड़ा आपका ये निकले वो ऊपर की साइड निकल जाए और आप इसको नीचे की साइड इस तरीके से, कि मुझे जो अस्तर की जो लंबाई रखनी है वो मुझे इसी की रखनी है और जो मुझे जारजट की जो लंबाई रखेंगे हम, वो हम इससे 2 इंच फालतू रखेंगे। तो हमें इस तरीके से रखना है और यहाँ से बिल्कुल अच्छे से मिला लेना है। और जो ये नीचे की साइड है, यहाँ से हमें ये इतना कपड़ा जो है हमें इस तरीके से, 2 उंगली आप यहाँ रख ले, ये हमने अपना फोल्ड के लिए रख लिया है। तो हम यहाँ पर एक निशान लगा लेंगे तो ये हमारा सिल्क बिल्कुल तैयार आ जाएगा इस तरीके से। और इस साइड से भी मैं थोड़ा सा ये लूज रखूंगी, हल्का सा, क्योंकि ये जो मेरा कपड़ा है, ये मेरा लाइलोन में कपड़ा है और ये वाला जो कपड़ा है मेरा कॉटन का है। तो ये सिलने धुलने के बाद सुकड़ ना जाए, तो मैं थोड़ा सा यहाँ से एक्स्ट्रा फालतू रखूंगी और इस तरीके से थोड़ा बाहर बाहर इसमें निशान लगा दूंगी। अगर आपको भी इस तरीके से निशान लगाने हैं तो ये ध्यान रखें कि आपका जो टॉप है वो ढीला या टाइट तो नहीं, आप इसी तरीके से इसमें निशान लगा सकते हैं। देखो, ये मैंने इतना लूज करके निशान लगाया है और एक निशान अब इसकी सीध में ऐसे लगा देंगे और एक निशान हम यहाँ पर लगाएंगे बिल्कुल इसकी सीध में इस तरीके से, शोल्डर की तरह। और अब हम यहाँ से इसमें इस तरीके से गोलाई दे देंगे इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ से हम जितना हमारा ये गला है आपको अच्छे से पकड़ना है यहाँ से, और यहाँ पर हम लगाएंगे गले का निशान। तो इस तरीके से ये हमारा टॉप का जो निशान है ये लग जाएगा और इसमें आपको ज़्यादा दिक्कत भी नहीं होगी। अब यहाँ से निशान पे से कटिंग कर लेंगे। अब यहां से हल्का सा इसमें इस तरीके से हम गोलाई देंगे थोड़ी सी इस तरीके से। तो ये जो है हमारे इसमें, ये हमने गले का जो निशान लगाया था, तो इसको हम नीचे की साइड इस तरीके से निशान लगा लेंगे और एक निशान और इसके अंदर लगा लेंगे। ये हमारा
बैक का है, ये वाला निशान बैक का है और ये वाला हमारा फ्रंट का है। तो पहले जो हम कटिंग करेंगे वो हम बैक वाली कटिंग करेंगे यहाँ से इस तरीके से, ठीक है। अब जो है हम जो अंदर का जो हमारा ये बैक है इसको निकाल देंगे बाहर की साइड, और इसको जो अंदर वाला है अब हम इस पर कटिंग कर लेंगे। इस तरीके से अब जो है यहां से हम इस तरीके से एक सीधा निशान लगा लेंगे इस तरीके से, और यहां से इसको ऐसे मोड़ लेंगे इस तरीके से, यहां से फोल्ड कर लेंगे इस तरीके से। अब ये वाला अस्तर बिछाएंगे, अब आपको जो है यहां से एक निशान लगा लेना है तकरीबन आपको जैसे ये गला है गले से हमें 3 इंच नीचे इस तरीके से आपको नाप लेना है, इस तरीके से यहां से 3 इंच कम से कम नीचे की साइड हमें एक निशान लगा लेना है सीधा, और इसको लगाने के बाद आपको ये इस तरीके से फोल्ड कर लेना है, और फोल्ड करने के बाद आप लेंगे इसमें ये वाला टुकड़ा जो कि जारजट का है, आपको ये इस तरीके से बिछाना है, ये इस तरीके से। ये बंद वाली साइड ऊपर की साइड है, खुली साइड है, और ये खुली साइड है, बंद इस साइड है। पहले हमने इसको इस तरीके से फोल्ड किया है इस तरीके से, और फिर इस तरीके से, ये तो 4 लेयर में हमने इसको रख लिया है। और जितनी भी आपको इसकी लंबाई रखनी है आपको उसी हिसाब से ये रखना है। देखो मैं आपको दिखा दूं, मैंने यहाँ से ये 2 इंच फालतू रखा है, अब इसको ऐसे रखेंगे इस साइड से, और यहां से इसकी कटिंग करेंगे इस तरीके से, ये इस तरीके से, ये यहां से हम इसमें इस तरीके से कटिंग करेंगे। और जो ऊपर की जो पट्टी है एक पट्टी हम और अलग से लेंगे, ये वाली, ये हम ऊपर की साइड से कटिंग करेंगे। तो ये जितनी भी हमारी यहाँ से ये जो कपड़ा एक्स्ट्रा है इसमें हम पलेटे डालेंगे। ये तकरीबन मैंने 6.5 इंच फालतू ली है, अगर आपके पास कपड़ा ज़्यादा है तो आप ज़्यादा भी ले सकते हैं और कम भी ले सकते हैं। तो मैं यहाँ से इसमें इस तरीके से कटिंग करूँगी, इस तरीके से, और ये जो बंद वाली साइड है इसको मैं यहाँ से खोल लूँगी ऊपर की साइड से। इस तरीके से, ठीक है ना, ये यहां से हमने इसमें गोलाई दे दी और ऊपर की साइड से हमने इसको इस तरीके से, अब इसको रखेंगे इस साइड। अब जो ये निशान लगा हुआ है यहां से इतनी पट्टी हम कट करेंगे, ये ऊपर की साइड से मिलाना है ऐसे, ये हमारी ऊपर की पट्टी है, और ये हमने नीचे की जो हमारा जारजेट है ये हमने कट कर लिया है। अब करेंगे बाजू की कटिंग,
बाजू की कटिंग कुछ इस तरह से करेंगे, इस तरीके से गोलाई में, यहाँ से ऐसे ऐसे रखेंगे। यहाँ से लंबाई आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ से 7 इंच की लंबाई रखी है और यहाँ से इस तरीके से मैं इसमें गोलाई दे दूंगी। अगर आपके पास कपड़ा ज़्यादा है तो आप ज़्यादा भी कर सकते हैं। ये हो गई हमारी आस्तीन, अब चलते हैं मशीन पे। यहाँ से 1 इंच चलने के बाद आपको प्लेट शुरू करनी है। ये इस तरीके से आपकी प्लेट डल के बिल्कुल फिट एकदम तैयार हो जाएगी। और ये हमने जो है बैक और सामना दोनों तैयार कर लिए हैं इस तरीके से। ये बैक है हमारी और ये हमारा फ्रंट है, तो इस तरीके से हमने इनको तैयार कर लिया है। आप इस पर कोई लेस वगैरह भी लगाना चाहे तो वो भी लगा सकते हैं। तो ये जैसे हमने ये सब कुछ तैयार कर लिया है यहाँ से, तो मैं इसका भी इस पर इस्तेमाल करूँगी। और जो है ये जो लेस है, इस लेस का भी मैं इस्तेमाल करूँगी। आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी आप लेस लगाओ तो उसमें आप सेम का धागा लगाएं बिल्कुल। अभी ये वाला धागा हम इसमें इस्तेमाल करेंगे। यहाँ से हम इसमें गले में लेस लगाएंगे और लेस को ये ध्यान रखना है कि लेस खींचनी नहीं है, बहुत ही लूज लूज छोड़ते हुए हमें लेस लगानी है। और यहाँ से इसको इस तरीके से रखेंगे और यहाँ से ऐसे सिलाई लगा देंगे। यहाँ से इस तरीके से इसकी कंधी जोड़ लेंगे। कंधी की जो जुड़ाई करनी है इस साइड से शुरू करनी है, गले की साइड से। अब यहाँ से जो है पट्टी लगाएंगे इस तरीके से, यहाँ से पट्टी लगा के उसको इस साइड पलट देंगे।
अब एक सिलाई यहाँ से ऊपर की साइड लगा लेंगे, तो दोनों आस्तीन हम इसी तरीके से तैयार कर लेंगे, ये साइड भी और ये वाली साइड भी। तो ये वाली पाइपिंग भी हमारी लग के तैयार हो गई है। अब हम जो है इसकी करेंगे जुड़ाई। तो जुड़ाई करते समय आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो हमारा अस्तर है और ये जो हमारी नेट है, तो हमें इस नेट को क्या करना है, पहले हम इस नेट की जुड़ाई करेंगे यहाँ से इस तरीके से। यहाँ से शुरू में हम बिल्कुल एक चारों कपड़े पकड़ के लगाएंगे सिलाई। अब इसको कर लेंगे ऐसे सीधा, और सीधा करने के बाद अब लगाएंगे हम इसमें आस्तीन। तो आस्तीन से का ये ध्यान रखना है आपको इस तरीके से ऐसे पकड़ना है और इसको ऐसे रखना है इस तरीके से, और रखने के बाद यहाँ से ऐसे, और आस्तीन पे भी हमने यही वाली लेस लगा ली है। और लेस की साइड लगानी है आपको, लेस लगानी है गोलाई की साइड, जिस साइड हमने इसमें गोलाई दी थी उस साइड हम इस लेस को लगाएंगे इस तरीके से। आपको ऐसी लेस बाजार में मिल जाएगी और बहुत ही आसान है ये लगानी भी। यहाँ से जब लगाएंगे तो गोलाई को यहाँ से लेस को लूज छोड़ते हुए लगाएंगे इस तरीके से गोलाई की साइड। अब इसको बीच में से ऐसे पकड़ेंगे और एक यहाँ पे एक निशान लगा लेंगे इस तरीके से पकड़ेंगे, और बीच में यहाँ पे बिल्कुल सेंटर में एक यहाँ से हल्का सा एक कट लगा लेंगे इस तरीके से। और ये कट जो है यहाँ पर हमें ऊपर की साइड रखना है कंधे पे यहाँ से, और यहाँ से इस तरीके से हम इसको देखेंगे कि जहाँ भी ये हमारी आस्तीन सेट हो जाएगी इस तरीके से यहाँ से और यहाँ तक, तो यहाँ तक आपको ये देखना है। और एक निशान आपको यहाँ पर लगा लेना है यहाँ पर इस तरीके से, यहाँ पर इस तरीके से, पीछे की साइड भी इस तरीके से। तो आपको अंदर का जो अस्तर है उसको छोड़ना है, और बाहर वाले जो हमारी जो ये जारजेट है, ये जो नेट वगैरह है, आपको इसी पे ही सिलाई लगानी है। ऐसे रखना है, ऐसे रखने के बाद आस्तीन को ऐसे रखेंगे ये इस तरीके से, यहाँ से रखेंगे इस तरीके से। ये सीधा है टॉप हमारा सीधी तरफ, इस तरीके से रखने के बाद ऐसे सिलाई लगा देंगे यहाँ से। आपको ऐसे ये इस तरीके से करना है यहाँ पर, और यहाँ से फिर सिलाई शुरू करनी है।
ये टॉप की भी सीधी साइड है और हमारी जो आस्तीन की ये भी सीधी साइड है। सीधी साइड पे सीधी साइड इस तरीके से रख के सिलाई लगानी है। और ये जो हमारा सेंटर है इस सेंटर को मिलाना है अच्छे तरीके से, यहाँ से ऐसे। और घुमाते हुए इसको फिर ऐसे पकड़ लेना है ऐसे, और पकड़ने के बाद यहाँ से इसको इसी पर फिर सिलाई लगा देनी है यहाँ से घुमाते हुए। तो अब ये इस तरीके से हम सीधा कर लेंगे ऐसे। तो ये यहां से हमारी जो आस्तीन लग जाएगी इस तरीके से। ये यहां से इस तरीके से आस्तीन लग जाएगी हमारी। तो दूसरी आस्तीन भी हम इसी तरीके से लगा लेंगे और यहां से हम इसको इस तरीके से यहां से एक सिलाई लगा लेंगे। और जो अंदर वाला स्तर है इसमें भी हम इस तरीके से सिलाई लगा लेंगे इस तरीके से। तो अब हमारा ये टॉप बनके बिल्कुल तैयार है। मैं आपको दिखा देती हूँ, देखो अंदर की साइड से ये कुछ इस तरह से है, ये बिल्कुल अलग है। ये जो स्तर है ना हमारा ये बिल्कुल अलग है, जैसे मैंने यहाँ से ज्वाइंट किया है ये अलग से सिया है, और ये वाला जो है ये अलग से सिया है। ये भी मैंने यहाँ से स्टिच लगा ली है इसमें यहाँ से, और ये वाली भी बिल्कुल तैयार है। और यहाँ से मैंने एक सुंदर सा इसमें लुक देने के लिए ये मोती लगाए हैं, और ये हमने यहाँ पे एक छोटा सा गुड्डा लगाया है। और आप देख सकते हैं देखो कितना सुंदर लग रहा है, बिल्कुल एकदम रेडीमेड जैसा लग रहा है। आप इसकी जो है आस्तीन भी देख सकते हैं, देखो कितना प्यारा सा इसमें लुक आया है। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए, अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और आप भी घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।